हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 8 मार्च के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे दो क्वेश्चंस भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। और आप इस वीडियो की पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि बार्क का निदेशक किससे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का निदेशक नियुक्त किया गया अजीत कुमार मोहंती को। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही हैं अजीत कुमार मोहंती। तो इन्हें बार्क का निदेशक नियुक्त किया गया है और 3 वर्ष के लिए इन्हें बार्क का निदेशक नियुक्त किया गया है। और यहाँ पर बात हुई है बार्क की यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, तो इसकी स्थापना हुई थी 1954 में और इसका मुख्यालय है मुंबई में। और बार्क की स्थापना किसने की थी? तो होमी जे भाभा, होमी जे भाभा ने बार्क की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री कारीगर सहायता योजना शुरू की है? तो मुख्यमंत्री कारीगर सहायता योजना शुरू की ओडिशा ने। शिल्पकारों की मदद के लिए ये योजना शुरू की गई है। इसमें होगा क्या? इसमें 10 वर्ष से अधिक का अनुभव रखने वाले और 1 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले शिल्पकारों को हर महीने 800 रुपए दिए जाएंगे सहायता के रूप में, और जो 80 साल से अधिक उम्र के शिल्पकार हैं उन्हें 1000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। तो ये शिल्पकारों की मदद के लिए ये योजना शुरू की गई है, मुख्यमंत्री कारीगर सहायता योजना, और इसे ओडिशा ने शुरू किया है तो मैं थोड़ा सा आपको ओडिशा के बारे में बता देता हूँ। ओडिशा की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। ओडिशा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। ओडिशा के प्रमुख लोक नृत्य हैं ओडिशी डांस, डंडा जात्रा और छऊ। ओडिशा में पावर प्लांट है तलचर पावर प्लांट। ओडिशा के प्रमुख स्थान है ओडिशा में है कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसे ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। ओडिशा में है जगन्नाथ मंदिर जो कि पुरी में स्थित है, और गुंदिचा घर मंदिर ये भी पुरी में स्थित है। और ओडिशा में है खंडगिरी गुफाएं और उदयगिरी गुफाएं। ओडिशा के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क हैं भीतर कड़िका राष्ट्रीय पार्क और सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क। ओडिशा का प्रमुख बांध है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध ये महानदी पर बना हुआ है और ये दुनिया का सबसे लंबा बांध है। ओडिशा में झील है चिल्का झील। ओडिशा में जिले हैं 30, लोकसभा सीट है 21 और राज्यसभा सीट है 10। अगला प्रश्न, देश भर में जन औषधि दिवस कब मनाया गया? तो देश भर में जन औषधि दिवस मनाया गया है 7 मार्च को, और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर में 5000 जन औषधि भंडारों को संबोधित किया। तो जन औषधि दिवस ये 7 मार्च को मनाया गया है। अगला प्रश्न, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस कार निर्माता कंपनी पर 500 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने वॉक्सवैगन पर 500 करोड़ का जुर्माना लगाया है। वॉक्सवैगन ये जर्मनी की कार निर्माता कंपनी है। भारत में वॉक्सवैगन की डीजल कारों से हुए पर्यावरण प्रदूषण की वजह से यह जुर्माना लगाया गया है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 500 करोड़ का जुर्माना लगाया है जर्मनी की कार निर्माता कंपनी वॉक्सवैगन पर। और यहां पर बात हुई है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की, तो इसके वर्तमान में चेयरमैन है आदर्श कुमार गोयल। अगला प्रश्न, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का 124वां सदस्य बन गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का 124वां सदस्य बन गया है मलेशिया। और यहां पर बात हुई है मलेशिया की, तो मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। मलेशिया की करेंसी है रिंगिट और वर्तमान में मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं महाथीर मोहम्मद। और यहां पर बात हुई है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इसका मुख्यालय है द हेग नीदरलैंड में। और इसके अलावा
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय भी नीदरलैंड के द हेग में स्थित है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने जर्मन राजदूत डेनियल क्रियनर को देश छोड़ने का आदेश दिया? तो हाल ही में जर्मन राजदूत डेनियल क्रियनर को देश छोड़ने का आदेश दिया है वेनेजुएला ने। और देश छोड़ने का आदेश क्यों दिया है? तो वेनेजुएला के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वेनेजुएला के आंतरिक मामलों में जरूरत से ज्यादा दखल देने के कारण इन्हें देश छोड़ने का आदेश दिया गया है। और यहां पर बात हुई है वेनेजुएला की, तो वेनेजुएला इसकी राजधानी है काराकस, वेनेजुएला की करेंसी है बॉलीवर, और वर्तमान में वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने रुपए के सिक्के जारी करने की घोषणा की है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने 20 रुपए के सिक्के जारी करने की घोषणा की है। और ये सिक्का तांबा, जस्ता और निकल से बनेगा और इसका वजन होगा 8.54 ग्राम। और इसके अलावा भारत सरकार ने 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के भी नए सिक्के जारी करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न, इसरो ने किस देश के साथ भारत में संयुक्त समुद्री निगरानी प्रणाली स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसरो ने भारत में संयुक्त समुद्री निगरानी प्रणाली स्थापित करने के लिए फ्रांस के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। फ्रांस की स्पेस एजेंसी है CNES। तो इसी के साथ इसरो ने भारत में संयुक्त समुद्री निगरानी प्रणाली स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। CNES ये फ्रांस की स्पेस एजेंसी है और इसकी फुल फॉर्म है नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज। नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज ये इसकी इंग्लिश में फुल फॉर्म है, हालांकि फ्रेंच में इसकी फुल फॉर्म कोई दूसरी है। और यहां पर बात हुई है फ्रांस की, तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, फ्रांस की करेंसी है यूरो और वर्तमान में फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुएल मैक्रोन। और यहां पर बात हुई है इसरो की, तो इसरो इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। और इसरो की स्थापना किसने की थी? तो विक्रम अम्बलाल साराभाई ने इसरो की स्थापना की थी। इसरो का मुख्यालय है बेंगलोर कर्नाटक में और वर्तमान में इसरो के चेयरमैन हैं के सिवन। के सिवन वर्तमान में इसरो के चेयरमैन हैं। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने ग्रेच्युटी के लिए आयकर छूट सीमा को कितने लाख रुपए कर दिया है? तो केंद्र सरकार ने ग्रेच्युटी के लिए आयकर छूट सीमा को 20 लाख रुपए कर दिया है। पहले ये 10 लाख था तो अब इसे 20 लाख रुपए कर दिया है। ग्रेच्युटी ये होता क्या है? तो किसी एक कंपनी में लगातार कई वर्षों तक काम करने पर आपको सैलरी, पेंशन और प्रोविडेंट फंड के अलावा जो पैसा मिलता है उसे ग्रेच्युटी कहते हैं, और ये रिटायर होने पर या फिर नौकरी छोड़ देने पर मिलता है। तो केंद्र सरकार ने ग्रेच्युटी के लिए आयकर छूट सीमा को 20 लाख रुपए कर दिया, यानी कि अगर किसी को ग्रेच्युटी 20 लाख रुपए मिलती है तो उससे उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यानी कि अगर 20 लाख तक किसी को ग्रेच्युटी मिलती है तो उसे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगला प्रश्न, गगनयान परियोजना के लिए इसरो के विशेषज्ञों को कहाँ प्रशिक्षण दिया जाएगा? तो गगनयान परियोजना के लिए इसरो के विशेषज्ञों को फ्रांस में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसरो के विशेषज्ञों को फ्रांस के टोलूज स्पेस सेंटर में गगनयान परियोजना के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। फ्रांस में टोलूज स्पेस सेंटर है, वहाँ पर इसरो के विशेषज्ञों को गगनयान परियोजना के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। और गगनयान परियोजना, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो गगनयान मिशन, इसके तहत 2022 तक 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को 7 दिन के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और इस मिशन पर भारत 10,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। और अगर भारत का गगनयान मिशन सफल हो जाता है तो भारत मानव को अंतरिक्ष में भेजने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा।
इससे पहले रूस, अमेरिका और चाइना भी ऐसा कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य के आदिवासी जिलों में प्राचीन जनजातीय भाषा गोंडी पढ़ाई जाएगी? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के आदिवासी जिलों में प्राचीन जनजातीय भाषा गोंडी पढ़ाई जाएगी। और यहाँ पर बात हुई है मध्य प्रदेश की, तो मैं थोड़ा सा आपको मध्य प्रदेश के बारे में बता देता हूँ। मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। भोपाल को झीलों का शहर भी कहते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ। मध्य प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल ये छत्तीसगढ़ की भी राज्यपाल हैं। इन्हें छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख, सॉरी, मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं करमा, राई, बधाई और भगोरिया। मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क हैं सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क, कान्हा राष्ट्रीय पार्क, पन्ना राष्ट्रीय पार्क, बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क, माधव और पेंच राष्ट्रीय पार्क। मध्य प्रदेश के प्रमुख बांध हैं, मध्य प्रदेश में है गांधी सागर बांध जो कि चंबल नदी पर बना हुआ है, और मध्य प्रदेश में है बाण सागर बांध जो कि सोन नदी पर बना हुआ है। मध्य प्रदेश में प्रमुख स्थान है, मध्य प्रदेश में है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि उज्जैन में स्थित है, और मध्य प्रदेश में है खजुराहो के मंदिर। खजुराहो के मंदिर ये चंदेल शासकों के द्वारा बनवाए गए थे। और मध्य प्रदेश में है भीमबेटका की गुफाएं। और दालों और सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। मध्य प्रदेश में जिले हैं 52 जिले, लोकसभा सीट है 29 और राज्यसभा सीट है 11। और कल के प्रश्न, कल मैंने आपसे दो प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न मैंने पूछा था एनजीओ ग्रीन पीस इंडेक्स द्वारा किए गए अध्ययन में कौन सा शहर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में शीर्ष पर है? तो इसका सही आंसर था गुरुग्राम। और दूसरा प्रश्न मैंने पूछा था भारत ने 7.5 लाख AK-203 राइफल्स का उत्पादन करने के लिए किस देश की फर्म के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर था रूस। और लगभग सभी लोगों ने इन दोनों प्रश्नों का सही आंसर दिया है। और आज आपका पहला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में लगातार तीसरे वर्ष किस शहर को सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार प्रदान किया गया? और आज आपका दूसरा प्रश्न है, हाल ही में कहां पर आजादी के दीवाने संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं करंट अफेयर्स के वीडियोस हर रोज़ सुबह 4 बजे अपलोड करता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।